सांसद ललन सिंह के लापता होने का पोस्टर लगाया गया है। मुंगेर में कई जगह ऐसे पोस्टर लगाए गए हैं। पूर्व सांसद प्रत्याशी संजय केशरी ने इन पोस्टर्स को लगवाया है। उनके मुताबिक मुंगेर के आदतन लापता सांसद ललन सिंह को खोजकर डेंगू पीड़ितों के हवाले करने वाले को 2 लाख रुपए का इनाम और आने जाने का खर्च भी दिया जाएगा। उन्होंने आरोप लगाया कि मुंगेर में बाढ़ और कोरोना महामारी के समय लापता रहने वाले सांसद ललन सिंह एक बार फिर से डेंगू महामारी के समय भी लापता हो गए हैं। सिंह जी आदतन लापता सांसद है, जनता के हर दुख दर्द में वो लापता हो जाते हैं। बाढ़ के समय सांसद महोदय लापता, कोरोना के समय भी सांसद महोदय लापता हो गए थे ललन सिंह जी। हमने उस समय 1 लाख रुपया का इनाम रखा था, तो माननीय सांसद ललन सिंह जी ने वीडियो जारी कर कहा कि कोरोना हम कैसे आवे। अब फिर डेंगू के कारण मुंगेर पूरा महामारी का है, डेंगू का पूरा मुंगेर आक्रांत है, लोग बेमौत मारे जा रहे हैं। इस बार फिर डेंगू के समय भी मुंगेर के आदतन लापता सांसद ललन सिंह जी लापतागंज के बिल में छिप गए जाकर। इस बार हमने इनाम की राशि बढ़ाकर 2 लाख रुपया कर दिया है कि जो भी व्यक्ति या व्यक्तियों का समूह माननीय लापता सांसद ललन सिंह जी को लाकर डेंगू पीड़ितों के हवाले करेंगे, उन्हें संजय केसरी अपने निजी कोष से 2 लाख रुपया इनाम देगा। 2 लाख रुपए का इनाम घोषित किया गया है। मुंगेर के सांसद ललन सिंह का लापता होने का पोस्टर कई चौक चौराहों पर लगाए गए हैं। ललन सिंह कोरोना के टाइम लापता थे, अब जब डेंगू महामारी बढ़ रही है बिहार में, ऐसे समय भी सांसद अपने संसदीय क्षेत्र से गायब है। यहां तक कहा गया है कि जो सांसद को पकड़कर डेंगू पीड़ितों के सामने लेकर आएगा उसे 2 लाख रुपए का इनाम और इसके साथ ही आने जाने का खर्च भी दिया जाएगा। सहयोगी अमितेश मुंगेर से इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं, अमितेश का रुख करते हैं। अमितेश, बहुत अच्छा ये ऑप्शन दिया गया है, अगर आपके इलाके के सांसद या विधायक लापता हो तो इनाम घोषित कर दीजिए। किस तरह के रिएक्शन आ रहे हैं? जी मैं बता दूं मैडम कि 2000 जिस टाइम कोविड महामारी हुआ करती थी उस टाइम भी हमारे मुंगेर के सांसद माननीय सांसद ललन सिंह भी, ललन सिंह मुंगेर से गायब हुआ करते थे, उस टाइम भी उनके ऊपर 1 लाख का इनाम संजय केसरी के द्वारा दिया गया था। और बाढ़ के समय में भी वो नजर नहीं आए थे उस टाइम भी। अब जिस टाइम अभी डेंगू का प्रकोप चल रहा है यहाँ पे भी, आज इस समय भी महामारी के समय भी हमारे सांसद महोदय यहाँ पे नजर नहीं आ रहे, जिसको लेके लोगों में काफी गुस्सा थी, आक्रोश है, और जिसको लेके सांसद पूर्व सांसद प्रत्याशी संजय केसरी ने 2 लाख रुपए का इनाम रखा है। और बताते चले कि पिछले दिनों कई महामारियां से बीतने के बावजूद भी मुंगेर में सांसद कभी नजर नहीं आए। जी आखिर ऐसी नौबत ही क्यों आई? क्या वाकई अपने संसदीय क्षेत्र से सांसद गायब रहते हैं? क्या वहां लोगों के सुख दुख के समय सांसद नजर नहीं आते? जी मैं बता दूं कि जब जब मुंगेर में पड़ले आती है यहां से मुंगेर के सांसद यहां से कहीं पटना चले जाकर रहने लगते हैं, क्योंकि वो राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हैं, उसके बावजूद भी कभी मुंगेर पे उन्होंने कभी ध्यान नहीं दिया। और सांसद मुंगेर के रहने के बावजूद भी यहाँ की जनता को मायूसी का सामना करना पड़ जाता है, जिसको लेके स्थानीय नेताओं के द्वारा उनपे उनके ऊपर इनाम भी घोषित करना पड़ जाता है। चलिए अमितेश, शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। तो सांसद अपने संसदीय क्षेत्र से गायब रहते हैं और इसी वजह से उनके पोस्टर कई चौक चौराहों पर चस्पा किए गए हैं ताकि सांसद नजर आए। और जब इलाके में डेंगू महामारी बढ़ रही है, ऐसे में सांसद अपनों के बीच में नहीं हैं, यहाँ की जनता के बीच में नहीं हैं, इसलिए आक्रोशित लोगों ने लापता का पोस्टर लगाया है। और इतना ही नहीं, जो ललन सिंह को पकड़कर लाता है उसे 2 लाख रुपए इनाम देने की भी घोषणा की गई है।